वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलीम। दोस्तों आज के वीडियो लास्ट तक देख लेना। यदि आप लोग टिकटॉकर है तो टिकटॉक की तरफ से टिकटॉकर के लिए एक गुड न्यूज आया है। टिकटॉक की तरफ से एक आर्टिकल मिला है जिसमें टिकटॉक ने क्लियर बताया है इंडिया में टिकटॉक फिर से वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, और टिकटॉक के साथ साथ 59 ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे टिकटॉक के साथ साथ 59 ऐप्स को भी जो इंडिया में बैन किया गया था, बैन होने का जो मेन कारण था डॉक्यूमेंट मिसिंग का। यानी कि बताया जा रहा था जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को यूज करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो एक मेन रीज़न है, इसकी वजह से टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका था, और टिकटॉक के साथ साथ 59 ऐप्स भी। टिकटॉक को एक नोटिस दिया गया था जिसमें 79 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि 79 क्वेश्चन को यदि जवाब दे देता है टिकटॉक, तो ये टिकटॉक फिर से हमारे इंडिया में आ सकता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 21 दिन का टाइम दिया था इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, जो 22 जून को जवाब देना है। फाइनली यहाँ पे टिकटॉक ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें क्लियर बताया है टिकटॉक फिर से 22 जुलाई को वापस आ जाएंगे प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे भी। तो सबसे पहले ये पोस्ट देख सकते हैं, आना तो फिक्स है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो आप लोगों को क्या लगता है, टिकटॉक इंडिया में जो बैन हुआ है उसे हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए? तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके बाद आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, टिकटॉक यदि इंडिया में आ भी जाता है तो फिर भी टिकटॉक हमारे इंडिया में कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है। तो यदि आप लोग टिकटॉक यूजर है तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हैं वीडियो, वही सेम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी बना सकते हैं, या फिर रोपोसो हो गया, रील्स हो गया, कई सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, इंडिया का ही है, तो आप लोग वहाँ पर भी सेम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यदि आने वाले टाइम में फिर से अगर टिकटॉक बैन भी हो जाता है, प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप एक ही एप्लीकेशन पे आप निर्भर रहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलीम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।